कुरुक्षेत्र जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से प्रशासन भी चिंतित है। शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित 171 नए केस सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार को ही कोरोना पॉजिटिव शाहबाद निवासी 73 वर्षीय और गांव बपदा लाडवा निवासी 70 वर्षीय व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने से सब्जी मंडियों में भी नियम बदल दिए गए हैं। मार्केट कमेटी शाहबाद के सचिव कृष्ण मलिक ने कहा कि सब्जी मंडी खुलने का समय सुबह 5 बजे से 12 बजे तक का है और 10 बजे से 12 बजे तक आलू व प्याज की बोली हो सकेगी। 12 बजे के बाद कोई भी आढ़ती खरीद व बेच नहीं कर सकता। आढ़तियों व फड़ी वालों को मास्क लगाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। मलिक ने कहा कि ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस के साथ खड़ा करना भी फड़ी व आढ़तियों की जिम्मेवारी लगाई गई है। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे मंडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रविवार को मंडी पूर्णतः बंद रहेगी और मंडी बंद होने के बाद मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। परसों हमारे जो सीए साहब हैं, सीए मार्केटिंग बोर्ड हैं, उनकी तरफ से हमारे हरियाणा के सभी सचिवों के लिए भी आदेश आए हैं सब्जी मंडियों को लेकर। तो हम नए संदर्भ में सब्जी मंडी के शाहबाद नई सब्जी मंडी है, इसमें जितने भी संबंधित आढ़ती हैं या फड़ी वाले हैं जो मासा खोर बैठ के या मंडी में ही सब्जी फ्रूट बेचते हैं, तो उनको हमने आज ये सख्त हिदायत दे दी है, नोटिस दे दिया सबको कि सुबह 5 बजे से 12 बजे तक सब्जी मंडी के खुलने का समय रहेगा और 10 बजे से 12 बजे तक आलू और प्याज की ओपन बोली होगी और 12 बजे के बाद कोई भी आढ़ती मंडी में सब्जी फ्रूट के विक्रयगार या करेगा काम नहीं करेगा जी, ना वो खरीदेगा ना वो बेचेगा। तो सर जिस तरह से मान ले आदेश जारी किए गए तो दुकानदारों को किन हिदायतों का पालन करना होगा सर? और दूसरा, चाहे सब्जी मंडी गाड़ थी हो चाहे फड़ी वाला हो, सभी ने ग्लव्स पहन के सब्जी बेचनी है और सभी ने मास्क लगा के रखना है। और मैंने आज फड़ी वालों को सबको बुलाया था, उनकी मीटिंग ले ली हमने, उनको ये भी हिदायत दी है कि अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है तो उसको सोशल डिस्टेंस में खड़ा करना उनकी जिम्मेवारी है कि वो पर्याप्त गैप बना के सब्जी बेचें और ग्राहकों को भी मोटिवेट करें, कहें कि जी गैप में खड़े हों। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको हमने ये बता दिया सख्ती से कि हम आपको मंडी से बाहर निकाल देंगे।